तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले थे कुछ, पर कुछ करने से पहले ये बंदा आ गया। इस बंदे से आप लोग सुनो, ये कुछ बोलना चाहता है। बच्चा छोटा है किसका, आई डोंट नो, कुंभ के मेले में खो गया था। इसको हम फिर ढूंढ के लाए, फिर हमको बहुत मुश्किल के बाद मिला है। बट सुन लो इसकी क्या बोल रहा है गाइस, आप जल्दी से सुनो। काल भाई देखो, एक बंदा है जो अभी गिव अवे कर रहा है लाइव स्ट्रीम पे। गिव अवे। तो भाई ऋतिक भाई, हम एक हफ्ते से यहाँ पे गिव अवे कर रहे हैं, जो कि भाई 10,000 डायमंड का, जो भी बंदा कस्टम में जीतता है भाई बीआर के। तो क्या लगता है भाई, इस बार हमारे ये वाले कस्टम में कौन सा बंदा जीतेगा? भाई पहले तो ये सबसे बड़े गिव अवे होने वाला, ठीक है। आज तक फ्री फायर कम्युनिटी ने भाई इतना बड़ा गिव अवे कोई किसी ने नहीं किया होगा। तो जो भी बंदा अगर आज ये वाला कस्टम मैच में बोया करेगा ना, सबसे बड़ा गिव अवे, ठीक है। इतना बड़ा गिव अवे की लोकेश गेमर भी नहीं किया होगा, ठीक है। लोकेश गेमर भी भाई देख के ना रो पड़ेगा भाई। तो क्या आप मतलब मेरा डुओ पार्टनर बन सकते हो, क्योंकि डुओ का कस्टम है तो हमें जीतना है, कैसे भी गिव अवे जीतना है। तो भाई तो बात ये चाहता कि ये थोड़ा बहुत गिव अवे जीते, पैसा कमाए गिव अवे के थ्रू। तो मैं इसलिए मेरे पास आया कि भाई मैं बुइया करवा दूं इसका। बुइया करवाना मेरे लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बुइया मैं करवा भी दूंगा भाई। बट लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, इसमें ना ये वाला जो मोटू एफ एवल आईडी है ना, इसको मैं गिव अवे करने वाला हूं। और इसमें भाई हर एक कलेक्शन है, ठीक है। आप लोग देखोगे तो पूरा इवो गन पूरा मैक्स है, और इसका कीमत ना मार्केट में 4 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसके लिए मुझे क्या मिलेगा बताओ? या तो मेरे सब्सक्राइबर से कुछ बोलोगे तुम, वो चीज वो कर देंगे, या तो तुम कुछ मेरे को बताओ क्या क्या मतलब तुम्हारे पास कुछ। हाँ तो आपको मतलब भाई 100K लाइक, भाई 100K लाइक्स, 1 मिलियन लाइक गाइस, 1 मिलियन लाइक करवा दो गाइस। अपने लोकेश भाई याद आ गए भाई मुझे आज, पुरानी कम्युनिटी वाले। तो गाइस चलो छोड़ो, अभी आप लोग उन यूट्यूबर्स को देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर हम उनके ग्रुप में घुसेंगे। तो देखो गाइस, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे वो सारी की सारी मैक्स है गाइस, तुम लोग को दिख रहा है भाई 4 लाख रुपए की आईडी जो है। तो जो भी बंदा गाइस यहाँ पे ना बुआ करेगा बीआर कस्टम में, वो जीत जाएगा भाई ये मोटू एफएफ वाली आईडी। भाई बस आप लोग के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना तो भाई इस आईडी को ना बेच के मैं 4 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन भाई मैं गेम छोड़ रहा हूँ, मतलब हम दोनों गेम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई पहले ये वाला आईडी का गिव अवे करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना भी करूंगा, लेकिन भाई पहले ये वाला, ठीक है। अगर मैं बेचूँ तो 4 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएगा, लेकिन भाई मैं आप लोग के लिए बस ये वाला कर रहा हूँ गिव अवे। तो आप लोग भाई आ जाओ जल्दी से कस्टम में, लेकिन उससे पहले जो इसमें जो रूल है ना गाइस, आप लोग सुन लो। तो गाइस देखो, कस्टम के रूल ये कि कोई भी बंदा टीम अप करते नहीं मिलना चाहिए, अगर एक भी बंदा टीम अप करते मिल गया तो उसको सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और भाई कोई भी बंदा नेडिंग भी नहीं अलाउड है, ठीक है। नेडिंग भी कोई बंदा नहीं करेगा, सीधा फाइट करो या फिर कैंपिंग करो। मतलब भाई एक तरह से ना आपको एकदम कस्टम के अंदर में आना है और सीधा फाइटिंग कर देना है, ऐसा नहीं है भाई कि मतलब पूरा सर्वाइव करके या फिर नुक छुप के पूरा खेल रहो किसी के ऊपर नेडिंग, भाई ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब जाना है सीधा फाइटिंग करना है सीधा। तो गाइस अभी रूम आईडी पासवर्ड आने वाला है, जैसे रूम आईडी पासवर्ड आएगा हम दोनों घुसेंगे उसके अंदर, और भाई आज हम अपना वी बैच वहां पे दिखाने वाले हैं, जिससे भाई हमारी थोड़ी सी समझ रहे हो ना आप लोग, पावर दिखे उधर जाके दबदबा, मतलब जो भी दिखे बस दिखे। तो गाइस अभी बिना किसी तरीके चलते हैं उसके कस्टम में। जय पापा की। A few moments later. तो भाई लोग हम ही कस्टम में घुस चुके थे, और मेरे साथ में यहाँ पे आर एस भाई, जो कि भाई बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर है, बट नोड़े है नूब है, इनको ना बुइया करने के लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या भाई तुम उस आईडी में ऐसा क्या है कि तुमको वो आईडी चाहिए, क्या है उस आईडी में? भाई मतलब मेरे आईडी में ना कलेक्शन नहीं, उस पे भाई सब इवो गन मैक्स है, 125 मतलब सब ऑल सीजन एलीट पास है भाई। गिवअवे जीतने के लिए देखो कैसे कैसे बंदे आए हैं, ये देखो ब्लैक, ये देखो इसको सीजन 2, और येलो क्रिमिनल भी आया भाई, और आर भाई क्या करे यार, खतरनाक वाली प्लेयर है, क्या हम जीत पाएंगे, तुमको क्या लगता है? वही तो भाई, चलो देखते हैं। बट आप हो तो भाई, आप तो मार ही दोगे, आप तो भाई। ऋतिक भाई क्या लगता है कौन सा बंदा बुआ करने वाला है यहाँ पे? एक सेकंड भाई, आप अभी भाई मैंने अभी कुछ तो देखा शायद भाई, वी वैच वाला प्लेयर आया भाई, काल वर्ती क्रिमिनल भाई, मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में भाई इतने बड़े यूट्यूबर भी आएंगे क्या गिवअवे लूटने के लिए? चलो गाइस अभी हम जाने वाले हैं, कहाँ पे चले, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेंगे अपन? चलो क्लॉक टावर पे जाते हैं। चलो क्लॉक पे चले या फिर हम चले पीक पे, पीक पे भाई मौत का खेल करेंगे, क्योंकि पीक भाई एक बहुत ही तगड़े वाला प्लेस है। और तुम थोड़ा सा अलग उतरना मेरे से, कभी मेरी चड्डी फटवा दो, मतलब मेरे को मरवा दो भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई काफी सारे बंदे आए हुए, ठीक है, ये वाला गिव अवे कस्टम में। और यहाँ पर देखते हैं भाई कि कौन से बंदे ये वाला मैच को बोया करता है, और फिर उसके बाद जो मेरा आईडी है वो गिव अवे में जीतता है। 4 लाख का आइडिया है भाई, कोई हल्के में, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 4 लाख। अरे भाई तुम बाकी टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा गिव अवे व्यू अवे मैं जितवाऊंगा, टेंशन मत लो। जय महेशमती, ये महेश, ठीक है फिर। वैसे महेशमती है कौन थी? अरे महेशमती तो बाहुबली में थी ना। हाँ, बाहुबली में। हाँ वही तो सोचू मैं मरी जाऊँ। बंदे कहाँ पे? अरे देखो ना यही तो उतरे हो अभी, गन वन तो ले लो कम से कम। यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पे गिल भाई यहाँ पे जा रहे हैं बीमन शक्ति के पास, और यहाँ पे कार बड्डी को देखो भाई वो कैसे खेलते हैं। और ये जैक भाई तो भाई सीधा एकदम दूर उतर है, जैसे कि भाई ये कैंप करके खेलने वाले, ऐसा लग रहा है मेरे को जैक भाई। चारों तरफ ना बंदे फैले हुए ठीक है, लेकिन भाई मैं आप लोग को रूल फिर भी बता रहा हूँ ठीक है। जो रूल है ना भाई, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारे बंदे, अगर कोई भी यहाँ पे वो करेगा ना गिंडेड मारेगा या फिर एक और कौन सा रूल था भाई अंकित भाई, टीम अप नहीं करना है। ये तो अनलिमिटेड कस्टम बनाया रे इन्होंने, मार दो क्या, फेल दो भाई फेल दो, रहमत खाओ भाई मुझे आईडी कर दो क्या, कर देता हूँ खत्म कर दिया भाई। यार इसको मारने में बहुत बुरा लग रहा है, पीछे से कोई बंदा आ रहा है का, मार देता हूँ चलो खत्म भाई, टाटा बाय बाय खत्म बाय बाय। तो चलो गाइस अभी हम ना बहुत गंदे तरीके से मारने वाले बंदों को, और बंदे मेरे को दिखे और बंदों को मैं पेलूंगा पेलूंगा इतना गंदा तेल लगा। और यहाँ पे भाई काल वाइटी को मार दिया किसी ने, नहीं नहीं काल वाइटी ने मार दिया किसी को, काल वाइटी ने मार दिया हाँ नाम है, और काल वाइटी ने मार दिया एनएम अलम को भाई, पीली टट्टी को मार दिया यहाँ पे, यहाँ पे काल वाइटी ने पहला किल कर लिया। और इनके सामने भाई एक स्क्वाड और है, क्या लगता है ये कर पाएंगे, लोग को देखते हैं भाई। एक बंदा भाई 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 भाग, कहाँ कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, भाग बेटे मेरे को पता था तो ऐसे डाउन हो जाएगा इसको भाई, इसको भी करते हैं क्लियर भाई, हमारे किल चुरा के भागेगा, मतलब हमसे बच के भागेगा। और को पहले देख, अरे एक सेकंड, अरे भाई इनके सामने बंदे आ गया भाई, सब इनके सामने बंदे आ गया भाई, फुल मूवमेंट के साथ, अरे मार भाई इसको भी नॉक कर दिया यार भाई, क्या लगता है ओ भाई इन्होंने भाई आते के साथ दो किल निकाल दिया, और अभी तक भाई बस बंदे ही चल रहे हैं, देख देख एक किल और आएगा, एक किल और आएगा, एक और आया, एक दो और तीन भाई, उनका केला पूरा ले जाओगे भाई, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, फिर से रिवाइव, फिर से डाउन, एक और आया एक और आया भाई, कितने बंदे आ गए, अच्छा क्या बंदे बंदे आएंगे क्या भाई, पीक में मौत का खेल चल रहा है गाइस, उसके एक और टीममेट है जो यहाँ पे आया हुआ है, और लिटरली गाइस भाई कालवाड़ी ने उसको भी मार दिया, लेकिन यहाँ पे रिवाइव होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या लगता है भाई ग्लूवल फोड़ के मारने का ट्राई किया जा रहा है, अरे रिवाइव हो गया, गया क्या, अरे भाई फिर से रिवाइव हो जाएगा ये, नहीं होने देंगे भाई, सच में यार कालवाड़ी का गेम प्ले तो काफी खतरनाक है, एक और आया पीछे से भाई, देख के देख के देख के भाई, क्या मार रहे हो काल भाई, भाई इधर तुझे मारने की पड़ी है, मैं मर गया होता भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी आईडी ये काल वाइटी ना लेके चला जाए भाई, काल वाइटी लेके चल गया ना भाई, तो फिर तो बहुत बुरा होगा, यहाँ पे किल किया रहा है भाई काल वाइटी, दो स्क्वाड तो खत्म कर दिया, और यहाँ पर एक और स्क्वाड इसके ऊपर, भाई साहब मर के मरने वाला था, बट बच गया भाई, इसका एचपी देखो सच में यार, मौत मुंह छूके गई है अबे, काल वाइटी मतलब भाई काल के पास ना काल आ गया था ठीक है, लेकिन इतनी सब तो बच गया भाई, अरे काल में कितना किल हो गया यार आपका भाई, पांच किल पूरे पांच किल, और ये भाई अकेला मार रहे, मुझे बंदा ही नहीं दिखा भाई, अरे बंदा छोड़ बंदी बंदी कुछ ना दिखे भाई, मुझे कुछ नहीं खुद नहीं दिख रहा, तुम अपनी बात करो, रुको एक मिनट अब देखना भाई, भाई यार भूया भूया हमें मिलना चाहिए भाई, कैसे भी करके मुझे आईडी चाहिए, तू लेके किसको आया, कस्टम कस्टम के किंग को लेके आया तो भाई, इसीलिए भाई तो आपके लिए मतलब मैंने आपके आया, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ऐसी बातें मत कर भाई ठीक है ना, हाँ मेरे संस्कारी घर के बालक पूरे बंदे काल के ऊपर रस कर रहे भाई, खतरनाक यार What the fuck? भाई सच में मुझे तो डॉट लग रहा है भाई कि कहीं ये कुछ उल्टा पुल्टा समझ रहे हो अंकित भाई, भाई भाई, भाई, भाई मेरे को भी लग रहा है भाई, ये बंदे सब काल वाइटी के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, और ये काल वाइटी का आरजीएस इस लाइफ पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है भाई, एकदम लूट वूट करके मारेगा, काल वाइटी अकेले पूरे भाई तीन स्क्वाड के बंदे को भाई मार के पूरा फिनिश करनी है ठीक है, और यहाँ पर पांच किल करती है। चलो गाइस इतना खतरनाक गेम प्ले है ना, बस मेरा गेम प्ले देख के पूरी दुनिया फैन है भाई, उन यूट्यूबर के तो आंखें फटकी फटी रह गई होंगी, कैसे मार रहा कॉल ये वो भाई, ऐसे तो भाई वही तो भाई, उन लोगों का रिएक्शन तो गंदा वाला मिलना चाहिए भाई, भाई तो भाई यहाँ पर देख सकते हो काल वाइट ने भाई आते के साथ अपना तहलका मचा दिया ये वाला कस्टम गिववे में ठीक है, और मेरे को तो भाई हम दोनों को भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कहीं भाई ये इतने बड़े यूट्यूबर हो कि हम लोगों का आईडी ना लूट ले, क्योंकि मैंने ये गिववे रखा था ना भाई जो आप लोग के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमको खुशी हो रहा है कि भाई काल वाइटी हम लोग का सब्सक्राइबर निकले, नहीं अंकित भाई बिल्कुल भाई मेरे को तो इतना खुश लग रहा है कि भाई काल वाइटी हम लोग के कस्टम आने के लिए टाइम मिल गया, तो देखो सामने बंदा कहां पे, बंदा सामने सामने, रुको रुको ड्रॉप पे, आई विल किल ऑल एनिमीज बिकॉज़ आई एम सो मल्टी टैलेंटेड, मेरे को जस्ट हेड मारेंगे मारो
कोई आ रहा है गाड़ी लेके, उसको गाड़ी से उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग गया, पीछे से भी कोई आ गया भाई, बहुत सारे स्क्वाड आ गए इधर। आप लोगों को क्या लगता है भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई, क्या लगता है काल वाइट ये वाला मैच में भाई बोया कस्टम में ये वाला करेगा, ये वाला कस्टम मैच में बोया करके ये वाला आईडी को जीत लेगा? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि काल वाइट भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि काल वाइट पे पूरा मैच लेके जाने वाला है, क्योंकि भाई फिर अंदर से पूरी फीलिंग आ रही है कि भाई काल वाइट मेरे आईडी लेके। और यहां पर फिर से यहां पे काल वाइट यहां पे फाइट लेने चले गए, और देखते हैं भाई क्या होता है इस टाइम। हां यार ऐसा मत बोलो यार, खेलो भाई, जीतना है यार हमें। अरे भाग कहाँ रहा है ब्रो, ओनली रेड मारा मैंने, मैंने को डाउन किया इसको भी मैंने भाई, क्या ही तो रेड रेड भाई, ये किल गया मेरा। मैं तो भाई इतना अच्छा गेम प्ले, मैं किसी का गेम प्ले देख ही नहीं रहा हूँ भाई। अरे काल वाइटी के डीओ ने रश कर दिया बंदों पे, दो अलग अलग स्क्वाड के बंदे भसड मच चुके हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पर एक और टीम में भाई, एक और स्क्वाड को यहाँ पे भाई पूरा फिनिश कर दिया काल वाइटी ने मिलकर। वो देखो गाड़ी वाले को मिलो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यही मार के जाएंगे, मेरे को ऐसा डॉट जा रहा है भाई, मतलब फीलिंग हो रहा है कि हम लोग का आईडी जाएगा तो काल वाटी के पास, बड़े यूट्यूबर है। और मेरे को थोड़ा सा खुशी भी मिल रहा है चीज का, ठीक है, क्योंकि भाई काल वाटी जो कि बहुत ही बड़े जाने माने यूट्यूबर है। अरे 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 देखे देखे देखे, मरियो मत भाई, आप मत मर जाना, आप मर गया तो भाई गया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी मर देंगे हम, हलवा है कि हमको मारना, वही तो अपन चलो हलवा, अपन को कोई नहीं मार सकता उसके लिए। और 14 बंदे मतलब 12 बंदे जिंदा है। ओ मेरे से लोगे साइलेंसर लोगे, तुम सुपारी सुपारी खा रहे हो क्या? 12 नहीं होता, 12 होता है वो, सॉरी सॉरी। आईडी के प्राइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था गाइस, 4 लाख रुपए का आईडी है, तो देखते गाइस कौन सा बंदा अभी जीता। मेरे को तो फुल लग रहा है कि काल वाइटी यहाँ पे कस्टम जीत के जाने वाले, 8 किल कर चुका है भाई काल वाइटी, बहुत खतरनाक गेम प्ले किया जा रहा है भाई ये वाला लाइव स्ट्रीम में। और गाइस आप लोग ये बताओ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो मेरे को कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, तो कुछ नेक्स्ट में अगर आप लोग बोलोगे तो उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को कोई क्रिएटर पसंद है तो उस क्रिएटर का नाम मेंशन कर दो, जिसका मैंने सबसे ज्यादा क्रिएटर का नाम आएगा तो हम ट्राई करेंगे उसके साथ वीडियो बना ले, ठीक है? मुझे लगता है भाई कि यहां पर सबको एक बंदा इसके प्रीस में एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है अभी भाई। इसको पेल, इसको पेल, इसको पेल, इसको पेल, हां पेल दे, पेल दे, बहुत बढ़िया। अरे क्या किल चोरी किया भाई इसने, रुको रुको रुको, पीछे से एक और आया, पीछे से एक और आया, वापस आया भाई, रुको रुको रुको, इतने सारे बंदे हैं इधर, रुको 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 रुको, कहां पे कहां पे कहां पे है ये, वो देखो नीचे भाग रहा है साला, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आने दे साले को, बहुत बढ़िया भाई, क्या मार रहे हो भाई, क्या मार रहे हो, अकेला खा रहे हो भाई, यही तो राज है काल वाइटी, मतलब किस बंदे को कब मारना है भाई, मतलब कब तुम्हारा वो कैरेक्टर एबिलिटीज होता है ना उसको कब यूज करना है, सब इसके पास है भाई, हर एक चीज इसके पास है। और यहाँ पे कस्टम में सिर्फ और सिर्फ तभी तो इतने बड़े यूट्यूबर बने हैं भाई, तभी तो इतने बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं ये। और भाई इन्होंने आते के साथ भाई एकदम जो कहर भर पाया है भाई किल करने का, वो है 8 किल, और यहाँ पर 9 किल करनी है भाई, 9 किल खत्म। अरे बहुत बढ़िया यार, अरे इसको हॉरिजॉन्टल कहां से मिल गया वे इतने जल्दी, जल्दी आ जाओ काल में जोन है, अरे रुको जा इसको मार के आऊंगा भाई, ऐसे तो मैं भी ना हूं बस, मेरे सामने एक बंदा, आओ काल में इधर आओ, अबे भाई काल वाइटी ने पूरी तरीके से रश कर दिया यहां पे इस बंदे के ऊपर, सामने बंदे जोन के अंदर में यहां पे वाई फाइट चल रहा है, और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से, और इनका आधा से ज्यादा एचपी खत्म हो रहा है यहां पे, जल्दी से वो हील कर रहे हैं अपने आप को, और यहां पे इनके ऊपर भाई बंदे रश करने के लिए आ गया, और यहां पे काल वाइटी को नॉक कर दिया इस बंदे ने। मैंने आपको बोला था पहले, ठीक है, कि भाई काल वाइटी को कोई ना कोई तो जरूर आके मारेगा, और यहां पर देख सकते हो भाई भाई ने काल वाइटी, अरे यार मर गए यार, मैं क्या करूं, जोन में जाना गलती करके मैंने भाई, रिवाइव कर मुझे कैसे करके यहां पे, लेकिन अभी भी ना काल वाइटी का भाई एक टीममेट बचा हुआ है, क्या लगता है रिवाइव कर पाएगा? मुझे तो लगता है भाई जरूर रिवाइव करेगा, क्योंकि काल वाइटी उसके ऊपर भड़क रहा होगा, भाई जल्दी से रिवाइव कर, ओपी गाइस यहां पे फाइनली मैं होते हुए रिवाइव भाई, काल भाई यार देख के यार आराम से 9 किल हो गया भाई काल भाई का, और यहां पर भाई काल वाइटी के टीममेट को मार दिया, ठीक है, अब देखते हैं भाई काल वाइटी अकेले मैच को बोया कर पाएंगे या फिर ये मर जाएंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे तो फुल गारंटी लग रहा है काल वाइटी यहां पे आईडी लेके जाने वाले हैं, मारो 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 उसको मारो, अरे तेरी तो
भाई गया, भागो 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 भाई। क्या बोल भाई, बंदा के पास एक्सपीरियंस मतलब हर एक चीज है ना भाई इसके पास। इसको बोलते स्ट्रेटजी मिक्स मैन, मेडिकेट भी नहीं है इसके पास और यहाँ पे इतना कम एचपी, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। मेडिकेट नहीं है क्या? नहीं है मेडी भाई। आ गया भाई, मैच गया भाई, पूरा देख के खेलो यार, कैसे भी भाई काल भाई जितवा दो यार। मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पर सभी भाई अपने आप को संभाल पाएंगे भाई। गया भाई, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। काल भाई कसम से भाई यार, मैं मुझे बंडल चाहिए था यार, मतलब पूरा आईडी चाहिए था। क्या हो गया भाई, भाई मैंने क्या करूं भाई, तू भाई आगे पीछे भाग रहा है भाई, हार गए यार। भाई यार ठीक यार, मुझे चाहिए था यार वो वाला आईडी। चल मैं क्या करूं, सुन 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 रो मत अब, ठीक है। मैं देख, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के और लाता नहीं ऐसे, तो एक काम कर, मैं तेरे को ना डायमंड कुछ गिफ्ट कर दूं, मेरे पास डायमंड पड़े हुए हैं, ठीक है, तेरे को कुछ गिफ्ट कर दूं, और रोने का नहीं फिर, ठीक है। ओके ओके काल भाई यार, आगे से इतने किल करते आ रहे ना कंटिन्यू भाई, मेरे को तो लग रहा था भाई आगे जाके वो कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी होगा। और यहाँ पर देख सकते हो एक उनसे भी ज्यादा प्रो प्लेयर यहाँ पे आया और इनका मोमेंट स्पीड है कि इनके पास मेडिकेट नहीं थी उसके वजह से वो बंदा। तो भाई चलो छोड़ो यार, अब ये हम कर देते हैं बैक उनको करने दो लाइव। गाइस हमने तो भाई यहाँ पे जीतना था और हम यहाँ पे फाइनली जीते तो नहीं पाए, हार गए हैं। वो भी गाइस मैं थोड़ा कष्ट में फंस गया था पीछे की तरफ में, और पीछे की तरफ से बंदा आ रहा था। ऐसे टूर्नामेंट में मजा आता है, आप लोग कमेंट करके बताना आपका कौन सा यूट्यूबर जिसपे आप लोग चाहते हो कि मैं जिसका कस्टम खेलू ट्राई करूँ जीतने का। तो गाइस चलो जल्दी से इस भाई को गिफ्ट देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे रहता है। आरजीएस भाई चलो आप मेरी बात सुनो, गिफ्ट में क्या चाहिए? देखो आईडी वाईडी तो अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि देखो अपन का नाम खुद का है भाई, खुद की आईडी से खुद का नाम बनाना पड़ता है। एक काम करते हैं, सुन मेरी बात, तेरे को कुछ गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट बता दे मेरे को, तेरे को गिफ्ट दे दूंगा, बता क्या गिफ्ट चाहिए। छोड़ो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो आईडी चाहिए था बट रहने दो भाई। आप एक काम करो, अपने सब्सक्राइबर को वो गिव अवे कर दो। ओ बात तो खैर तूने सही करी है, तू छोड़ एक काम करते हैं, अपन दोबारा कभी किसी आईडी के लिए गिव अवे कस्टम खेल लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं अभी ये वाला ना गिव अवे ना अपने किसी सब्सक्राइबर को दे देता हूं। इसके लिए करना क्या होगा, पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं गिव अवे में? कमेंट सेक्शन में बोलो यूआईडी स्पैम करने के लिए। ओके तो गाइस कर दो, अब यूआईडी कमेंट करोगे तभी आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अर्जेस भाई चलो मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? अरे नहीं फिर सह लेंगे, चलो कोई ना, ठीक है। मैं उनके ग्रुप में जा के आता हूं एक बार उन यूट्यूबर्स। चले कोई नहीं। वैसे तुम गेम क्यों छोड़ रहे हो भाई, मेरे को बताओगे? भाई गेम छोड़ने का सबसे मेन कारण ये है कि भाई हम लोग टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे और हम लोग को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे भी अभी ध्यान देना है, इसलिए हम लोग गेम छोड़ रहे भाई। अच्छा ये आईडिया अभी गिव अवे में दे दोगे तुम? बिल्कुल भाई, अरे हां भाई बिल्कुल दे देंगे, इसीलिए तो किया था गिव अवे इतने बड़े। चलो ठीक है, आज तक फ्री फायर कम्युनिटी में ना इतना बड़ा गिव अवे किसी ने नहीं किया होगा। हां 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 चलो एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, आप ना आपको एक बात बताऊं बढ़िया वाली। बताओ। इंडिया में ई-स्पोर्ट वापस आ चुका है और इंडिया में भाई मैं भी अब टूर्नामेंट करवाया करूंगा अपने, ठीक है, खुद से ऑफिशियल टूर्नामेंट्स और भी सारे यूट्यूबर्स भाई टूर्नामेंट्स करवाने वाले हैं। तो तुम ना एक काम करो भाई, गेम छोड़ दो मत, अपने दोस्तों को भी बोलो कि गेम खेलना स्टार्ट करें और दोबारा से प्रो प्लेयर बने, तभी भाई मजा आएगा ना टूर्नामेंट में, कंपटीशन मिलेगा। तो गेम मत छोड़ो यार, गेम में रहो और समझो बस, आगे समझदार हो। बिल्कुल भाई, आपने आगे ना भाई मेरे को थोड़ा मोटिवेट दिया, तो इस चीज से ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को भाई कि गेम सही बोले नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भाई जो टूर्नामेंट होता है ना भाई, हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे पहले, अब तो भाई जब से ये हुआ है तो टूर्नामेंट हो रहे नहीं है। बट हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि काल भाई आप टूर्नामेंट करा रहे हो। हाँ, तो भाई प्रैक्टिस करिए, तो मैं बता दूंगा आपको। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ फिर आपसे, ठीक है, बाद में। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम आ गया तो मैं काम करके आता हूँ, एंड रिक्वेस्ट ले लो मेरे दोनों के दोनों, ठीक है। वैसे तुम तो आईडी गिव अवे में दे दोगे। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, सब मिलते हैं फिर भाई, ठीक है।